आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है? ये सवाल एक वायरल खबर के बाद उठ खड़ा हुआ। दरअसल दावा किया गया कि बुंदेलखंड का जो हिस्सा एमपी में आता है, उस इलाके का एक गांव आज तक छुआछूत की बीमारी से मुक्त नहीं हो पाया है। वायरल खबर के बारे में पड़ताल करने पर मामला टीकमगढ़ जिले की एक पंचायत का निकला। सोशल मीडिया पर इस पंचायत के बारे में दावा किया गया कि यहां आरक्षण के आधार पर लोगों को पानी दिया जाता है। इस दावे की हमने गहराई से पड़ताल शुरू की, जिसके बाद साफ हुआ कि ये दावा करीब 4,500 की आबादी वाले सुजानपुरा गांव के बारे में किया गया है। दरअसल यहां एक साथ 3 कुएं देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पड़ताल के दौरान मालूम चला कि इन कुओं की खासियत है कि जिस जाति का जो कुआं है, उस कुएं से उस जाति के लोग पानी भर सकते हैं, और दूसरी जाति के कुएं से अगर किसी ने पानी भर लिया तो गांव में बवाल छिड़ जाता है। बकायदा लोग कुएं को गंगा जल डालकर शुद्ध करने लग जाते हैं। अली समाज के जी, हाँ, बड़े बड़े आदमी इस पे पानी में हैं। यहाँ भी नहीं है, छुआछूत की समात नहीं है यहाँ, छुआछूत मानते हैं, इसलिए तीन कुआ बनाए गए। ये परंपरा मतलब पहले से चली आई, अबे नहीं चली जा। अगर उनके कुएं का भर लिया पानी, हाँ, तो उसमें लड़ाई होती है। धरती माँ भले ही जल को सभी कुओं में बराबरी से बांटती है, लेकिन कुओं के पानी को जातिवादी रंग दे दिया गया है। पड़ताल के दौरान हमने देखा कि गांव में शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो भी परंपरा की बेड़ियों में जकड़े हैं, मौन है। सरकारें और प्रशासन छुआछूत ऊंच नीच दूर करने के लिए कोशिश करती दिखती है, लेकिन टीकमगढ़ जिले के सुजानपुर गाँव में बदलाव की बयार बही नहीं है। उस गाँव में छुआछूत के निवारण के लिए अस्पष्टता निवारण शिविर का आयोजन कराएंगे। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से भी हम लोग प्रयास ये करेंगे कि उस गांव में मीटिंग्स करी जाएं। मौजूदा दौर में सुजानपुर गांव में छुआछूत का ये तमाशा हमारी पड़ताल में बिल्कुल सही निकला। टीकमगढ़ से संवाददाता आरबी सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।